ट्रिपल तलाक पर अपना एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। लंबे वक्त से तीन तलाक को लेकर चल रही बहस के बीच मुस्लिम महिलाओं ने अपने हक की लड़ाई जीत ली है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया है। तीन तलाक का असर अनपढ़ और सामाजिक तौर पर ज्यादा था। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि बॉलीवुड अभिनेत्री मीना कुमारी भी इसकी शिकार हुई थी। उस वक्त मीना कुमारी के नाम का डंका बजता था। ये वो दौर था जब मीना कुमारी उन दिनों बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक थी। बेहद कम वक्त में ही मीना कुमारी फिल्म जगत की एक बड़ी सुपरस्टार बन गई थी। उनकी शादी निर्देशक कमाल अमरोही से हुई थी। मीना कुमारी का स्टारडम इतना ज्यादा था कि कमाल अमरोही को लोग उनके नाम से कम मीना कुमारी के पति के नाम से ज्यादा जानने लगे थे। इसका बुरा असर उनकी शादीशुदा जिंदगी पर नजर आया। कमाल अमरोही मीना के स्टारडम से इतने ज्यादा आहत हुए थे कि उन्होंने मीना कुमारी की जिंदगी बदहाल और दर्द भरी कर दी थी। इसके बाद अपनी अहमियत दिखाते हुए कमाल अमरोही मीना कुमारी की फिल्मों में दखल देने लगे। मीना कुमारी जिस भी फिल्म को करने के लिए हामी भर देती, उनके पति कमाल अमरोही उन्हें वो फिल्म करने से मना कर देते थे। इसके बाद इन दोनों के बीच इतनी दूरियां बढ़ गईं कि लड़ाई झगड़े और मारपीट आम बात हो गई थी। इसके बाद इन दोनों के रिश्ते में इतनी दूरियां आ गईं कि एक दिन गुस्से में कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को थप्पड़ मारते हुए तीन बार तलाक 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 बोल दिया। मीना को इस बात की उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा कुछ भी हो सकता है और वो कमाल को छोड़कर चली गई। तलाक के गम में डूबी मीना को शराब की लत लग गई और उनकी जिंदगी दुख दर्द में बीतने लगी। खैर, अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें